वर्ल्ड पुलिस के अंदर रामावतार कड़ा बादशाह पर तो जरा ये मंच राम कृष्ण कड़ा मौका ये मंच पे कर्नल साहब बैठे हैं, डीआईजी साहब नवीन मोर भाई साहब, जोगिंदर पहलवान जी, हरियाणा पुलिस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, इनके नाम के ऊपर आप एक जोरदार जोरदार तालियां, ताकि अगले दंगल में आए और आपका हौसला अफजाई करें और इस दंगल को महाराजियों की आशीर्वाद से और ऊंचाइयों पे ले जाने पे और इलाके के जाने माने गणमान्य आदमी बैठे हैं और जितने भी कमेटी के सहयोग करते हैं, बेगराज भाई जी बैठे हैं मंच पे, अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो क्षमा करना, ये सारे खेल प्रेमी हैं और खेल प्रेमी ही खेल को इस देश की ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ये अपने आर्मी के अफसर बैठे हैं, पुलिस के अफसर बैठे हैं, ये भी खेल प्रेमी हैं, क्योंकि आर्मी या फौज के अंदर सबसे पहले एक बच्चा फिजिकल पास करता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे पहलवान देखने का आज आपको सौभाग्य मिला कि वर्ल्ड पुलिस में 5 बार गोल्ड मेडल, एक बच्चा फिजिकल पास नहीं करता उसको सिपाही नहीं भर्ती किया जाता, वर्ल्ड पुलिस में 5 बार गोल्ड मेडल, नवीन और पहलवान जी के नाम की एक ताली बजाए, मंच में बैठे कर्नल साहब की ताली बजाए, मंच में बैठे डीआईजी साहब की ताली बजाए, रामावतार पहलवान जी की ताली बजाए, इनके कमेटी की ताली बजाए, भाई जोगिंदर इंटरनेशनल हरियाणा पुलिस भाई बेगराज की ताली बजाए और मंच के ऊपर जितने भी बच्चे जितने भी ये साथी आए बैठे हैं, ये अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, रामावतार कड़ा बादशाह पर खेल के महत्व को जानते हैं बाबा प्रकाशपुरी, क्योंकि जो ये उम्र है जिस उम्र में बच्चे खेल में यही पहलवान बड़े बनेंगे, एशियाड में मेडल ले आएंगे, ओलंपिक तक भी हम कामना करेंगे इसके लिए, तो हम महाराज जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, इन्होंने एक दंगल का आयोजन किया और यहाँ पर मंच पे जो इलाके के राजनेता या राजनीति से जुड़े हुए समाज से हुए भाई बैठे हैं, भाई अमरनाथ जी इनके साथ आए, इनके परिवार के राम पहलवान जी और इलाके के जितने भी साथी यहाँ पे हैं, एक प्रेस के ऊपर यूट्यूब में बताते हैं कि हर खेल को वर्ल्ड लेवल के ऊपर दिखाते हैं, तो हम तहे दिल से जितने भी खेल देखने के लिए आए, खेल खेलने के लिए आए, सबका तहे दिल से आज बात सफुर गाँव के इस मंदिर के अंदर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं और आने वाले समय में अपने आप आज का निमंत्रण अगले दंगल के लिए ये मंच के ऊपर बैठे हैं सभी साथी सभी अफसर अपने आप आए आगे चल के आज से भी ज्यादा उनका स्वागत होगा इसी बातों में जाते में आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कोई दाव पेच नहीं दिखाओगे, कोई नाम नहीं मिला, पहलवान ध्यान दे, दाव पेच लगाए कुछ सीधे लड़े, भाई भाई ने बहुत ही अच्छी बातें सभी के बारे में बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कुछ अरे पहलवान जी गोदड़ी घूमते रहो, रेलवे से है अपने हनुमान अखाड़े के सदस्य हैं, ये भी पुराने पहलवान है, रामधन पहलवान की सहकृति में इन्होंने पहलवानी करी है हनुमान अखाड़े में और रेलवे में सेवा दे रहे हैं। भाई ये पहलवान जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये थोड़े से इस साइड चले जाओ, इस साइड पे पीछे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे पीछे कुछ महिला शक्ति देख रही है, कुछ देख रही है, उनको भी देखने दो, आप बैठ जाओ यहाँ पे पीछे इस साइड चले जाओ, ये रफी साहब बाहर आने वाले हैं, इन्हें छुटवा के भीतर दे दो एक मौका, जी लड़ दो जिंदगी, देखो जी ये यहाँ पे कुछ बुजुर्ग पगड़ी में आए हुए हैं और ये इधर ध्यान दो एक बार, अगर आपको कुछ कुश्तियाँ अच्छी लग रही है तो एक बार तालियों से संदेश दे दो कि भाई अच्छी लग रही है, भाई चैनल इतना अच्छा लगे कि भाई बहुत अच्छा कुश्तियों का आयोजन हो रहा है और मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करूँगा कि छोटे बच्चों को यहाँ लेके आओ हर रविवार को, वो एक बार इस ट्रैक पे आ गए तो जिंदगी में नशा नहीं करेंगे, प्लस ऊपर से संस्कार सीखता है पहलवान, पहलवान के अंदर ताकत होते हुए भी वो इतना नरम होता है संस्कारों से, ये देखियो जी कुश्ती, रेफरी साहब क्या फैसला है इसका, हाँ ठीक है जी भाई, पहले बोल दिया था उसके बाद हुआ है, तो इसको यहाँ भेजो कमेटी के पास दोनों को, ये पहलवान।